कैसे लोग कैसे आप सब और देख रहे हैं आपका अपना आगर जोन। तो मैं कल अपने गांव आया, अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखो ना। एक बार आपको मोटा मोटा अपना हाउस टूर दे दूं गांव का। मेरा घर है, इसके सामने डैडी का ये जो थोड़ा सा प्लॉट है, तो इसमें लगवाए हैं डैडी ने करीब 100 सागवान के पेड़, और ये एक सागवान का पेड़ 5,000 से 10,000 के बीच में बिकता है, और 10 साल इस पेड़ को बनने में लगते हैं, करीब 6-7 साल तो होगा, मतलब 4 साल बाद कैलकुलेट कर लो तुम्हारा भाई लखपति होने वाला है। और फिर एक ये है आगे घुसती, इसमें नीचे भी कमरा है, एक ऊपर भी है, ऐसी वहाँ एक चौतरा है ऐसी वहाँ पे। एक्चुअली क्या है, हमारा घर पीछे तक है, तो इस एरिया में पूरा हमने घर बना रखे हैं। ये बरांडा कह सकते हो, बरांडा यहाँ है, एक पीछे और एक पीछे भी है, पीछे तक है वहाँ जो पेड़ दिख रहे हो बड़ा वाला, वहाँ तक है, उसके पीछे भी है, सॉरी वो जो देखो वो डिश एंटीना देख रहे हो वहाँ तक है, और ये लेफ्ट साइड में देखोगे तो पूरी प्रॉपर यहाँ से बाउंड्री हो रही है, आप देख सकते हो, तो ये पूरे खेत हैं, इस साइड पूरी खेती होती है, घर के अंदर ही खेती होती है। तो ये सीन है, मोटा मोटा ऐसा घर है। तो अभी चलते हैं नीचे और पूरा गांव घुमाता हूँ। भाई हमारा क्या हाल है भाई, भैंस चरा रहा है भैंस? तो अपनी वो कड़ी आया उसा। बस होके उठ चुका हूँ और नीचे आ गया हूँ अभी। तो अभी चल रहा है टी टाइम, मैंने ऑर्डर करी थी मेरी टी, तो वो टी आ गई है अभी, ये रखी वो टी, और ये मतलब 50 पैसे वाला बिस्कुट खाऊंगा साथ में। तो अपने वो करनी है अपनी उसे साफ, क्योंकि देखो भाई साहब जाले लग रहे हैं, अभी प्रेशर से धोएंगे। हाँ भाई, तो एक बार आपको घर दिखाते हैं, थोड़ा सा होम टूर देते हैं। तो यहाँ से एंट्री है, ये बाबा का घर है आगे वाला, और ऊपर मैं वहां सोया था, ऊपर वाले कमरे में। गाँव के लोंडे लपाड़े हैं जो घूमते हैं, वहां से एंट्री करके सामने से तो घर है, बट यहाँ पे थोड़ा अपना वो है फार्मिंग एरिया, यहाँ गाय भैंसे हैं, गाय भैंसे बीमार है हमारी, उठा ले रे देवा। यहीं पे पहले यहीं पे खेती होती थी जब मैं छोटा था, बट अब यहाँ पे पेड़ लगा दिए बड़े बड़े, और ये देखो ये छोटे छोटे पपीते आ रहे हैं। मेरे बाबा की आय भूसा है छोटी वाली, सही चल रही है अभी। कौन से सन में ली थी? 18 में, ये एक बारी गिरा भी दी थी मैंने, बाबा देते नहीं थे। तो जब भी मैं गांव में आता हूँ, ये कच्चे दारे बाबा हमारे बाइक धुलवाते हैं। तो अभी क्या है सीधा, ये कौन सा पानी है, समर्सिबल का? तो अभी समर्सिबल का पानी लग रहा है पूरा भूसा में, फर्स्ट टाइम। तो दूर दूर से आ रहे हैं बाबा देखने बाइक, कैसी लगी बाइक? सुजुकी है। हाँ, सुजुकी। हल्ला है पूरे गांव में कि बाइक इतनी महंगी है। यहाँ सीन ऐसा होता है, अगर गाड़ी आती है तो चार गांव तक हल्ला हो जाता है, भाई गाड़ी आ गई इसके घर में, सेम वैसे ही सीन आया भूसा के साथ है। तो अभी आ गया हमारा खाना, ये चूल्हे की रोटी और ये चटनी, मैं हमेशा ही चटनी खाता हूँ, बहुत स्पाइसी होती है, और ये सब्जी है जी बना रही है अंदर खाना चूल्हे की, और अब ये गाड़ी, अभी मैंने बाइक तो धो दी थी, अभी गाड़ी और दूंगा, फिर ये पहले खाना खा लू, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर। अभी हमारी बन गई है बाजरे की रोटी, ये बाजरे की है, हाँ बाजरे की गर्मा गर्म। तो वो दूसरी वाली तो मैंने खा ली, बट अब बाजरे की, मैं जब भी आता हूँ ना भाई, देखो बचपन से मेरे आते हैं, मैं खाता हूँ चूल्हे की रोटी, क्योंकि चूल्हे की रोटी ना बहुत स्वाद होती है, मतलब बंदा 1, 2, 3, 4 खा ही जाता है स्वाद स्वाद में। तो गांव में ये है देखो, सब्जी तो अच्छी बनती नहीं है। अरे सब्जी तो अच्छी बनती है, तू बोल क्या रहा भाई? देखो तोरी बनी है, तोरी पोरी मैं खाता नहीं भाई, पिज्जा बर्गर खाने वाला लौंडा कहाँ तोरी खाए। लेकिन हरी चटनी मेरे को, लाल चटनी पसंद है, और ये जो आलू की सब्जी और ये दाल चावल जहाँ बनते हैं जो कड़ी चावल, तो मैं तो वही खाता हूँ बस। सीन ऐसा, ये पूरा बड़ा घर तो मेरे दादाजी का था, बट जब बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में आए है छोटी प्रॉपर्टी, वो मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। पीछे वाला घर है हमारा, चले अम्मा दिखाओ तो, दो घर तो दिखा दो, चलो चलो। तो आपको मैं अपना हिस्सा दिखाता हूँ कि मेरे हिस्से में कौन से घर आए, मतलब मेरे नहीं डैडी के हिस्से। ये वाला हिस्सा मतलब इसके पापा का है, ताऊ जी का, ठीक है। तो यहाँ पे घर के अंदर ही, तो मतलब हमारा घर ऐसा था, मतलब घर के अंदर ही खेती हुई, बहुत बड़ा घर है। ये वाला पोर्शन है ना ये, और इसके पीछे ये हमारा है, बट क्या पूरा खुला रहता है, सारे भाई एक साथ ही रहते, कोई चक्कर नहीं है, ज्वाइंट फैमिली की तरह। बट यहाँ पे सांप वाप निकलते हैं अम्मा, अब ना निकलते, ठीक है। देखो पहले निकले अम्मा, तुमने कितने बड़े बड़े देखे हैं सांप, खूब बड़े बड़े, मार दे। अरे अम्मा अब मारने ना थे ना। तो ये देखो यहाँ से एंट्री है, तो यहाँ एक कमरा है, ये पूरी चौतरी सी है, पूरी चौतरी सी, बरांडा बरांडा बोलते हैं, ये किचन है,
ये देखो ये किचन है, ये भी हमारी है और ये भी एक स्टोर रूम है। क्या ना पता नहीं को खोल गो। और फिर यहाँ पे भी आपको देखो बरांडे के यहाँ भी एक दो रूम है, वो दो रूम दिखाता हूँ। तो एक रूम तो ये है बहुत पुराना, मैं ज्यादा अंदर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ निकलते हैं सांप। तो दरवाजे ये है ठोस लकड़ी। ये अम्मा दरवाजे कितने साल पुराने होंगे ये लकड़ी के? अच्छा जब से दरवाजे नहीं बदले। तो देखो दिल्ली की जो लकड़ी होती है ना उसमें कितनी जल्दी दीमक लग जाती है, हर साल में लग जाती है। यहाँ तो 40 साल हो गए लकड़ी को, वहीं की वहीं है ठोस की ठोस। देखो कुछ नहीं होता। तो एक कमरा ये था, एक कमरा ये है, एक कमरा ऊपर जा गया। ओ बिल्ली बिल्ली बिल्ली, ये देखो इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है। ओए बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। एक देखो वो कमरा ऊपर, यहाँ सीढ़ी से ऊपर जाके और ये ऊपर छत अट्टा अट्टा कहते हैं। और ये पीछे एक छोटा सा बरामदा है, ये भी हमारा है क्या? अच्छा वहाँ, अच्छा वो जो किवाड़ फेरी है यहाँ तक हमारा है। ये देखो तो ये है हमारा हिस्सा पूरा। और पीछे का ये पीछे वाला गेट है जो पीछे गांव में निकल जाते हैं, पीछे का साइड। अभी अपन चलते हैं, मैं अपने यहाँ के लोकल मार्केट लेके चलता हूँ और वहाँ पे करेंगे अपन बहुत ज्यादा फन और लोगों के रिएक्शन भी लेंगे, गाँव वालों के क्या रिएक्शन आता है। इसमें पेट्रोल भी भरवाना है वैसे मेरे को। चलो भाई घुमा ले तुम्हें भी यहाँ पे। भाई मेरा गाँव देखो कैसा लगता है, कितना बढ़िया गाँव है यार। और ये सारे खेत भी अपने है ना? हाँ भाई अपने ही है। और अभी सब में आलू हो रखे हैं। यहाँ पे ना बहुत शांति है, बहुत चिल माहौल है। तो अभी क्या आज भैया दूज है तो सारे आ जा रहे हैं। तो देखो भाई भैया दूज है तो गांव में ऐसे जाते तैयार हो के सारे। तो ऐसी ऐसी दुकानें लगती है बाहर, पुराने जमाने का है सारे। 20 रुपए में बाल काटने वाला। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ का कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान है, इसके अंदर स्कूल है और ये अंदर स्विमिंग पूल है। तो ये सारा कब्रिस्तान है। तो यहाँ दिखाता हूँ, बचपन में स्विमिंग करने आता था। अंदर चलते हैं और आपको पूरा टूर देता हूँ। तो ये कब्रिस्तान है, रात को भाई बंदा आ नहीं सकता है बिना। हाँ तो आता है पे? नहीं मेरे को नहीं आया जाएगा। तो यार लाशें जुटती हैं, इधर ही साइड है। तो यहाँ पे ये भी तो बंदे मार के डाल देते हैं यहाँ पे। ये झील है यहाँ से, वो पानी आ गया इसमें, पहले नहीं था भाई। अब तो कम है, बीच में तो बहुत ज्यादा था इसमें। अच्छा तो मैं जब छोटा था तो मेरे को मेरे दादा यहाँ पे स्विमिंग सिखाने आते। तो मेरे जो दादा थे वो मतलब प्रिंसिपल थे एक स्कूल में, तो मतलब वो काफ़ी एजुकेटेड है। तो मेरे को यहाँ स्विमिंग सिखाते थे, उनको उल्टा सीधा लेट के हर तरीके से स्विमिंग आती है। और पूरे गांव में मेरे बाबा को ही आती होगी बिना, और आती किसी को? हाँ शायद उन्हीं को आती है। हाँ बस मेरे बाबा को आती है स्विमिंग, सोचो पूरे गाँव में। तो ये पूरा यहाँ का इलाका था। अब चलते हैं मेन मार्केट में, आपको मेन मार्केट लेके चलता हूँ। भाई भूसा के चक्कर में लग गया पूरा जाम, काऊ जाम लगा दिया तुमने। यहाँ सारी बाइकें खड़ी हो गई, जाम लग गया। लोग देख देख के जा रहे हैं क्या है। मोटरसाइकिल ले आया जाम तो क्या देख रहे हो? तो अच्छी है कि नहीं ताऊ? बहुत बढ़िया बढ़िया। तुम भी अपाचे चला रहे हो? फुल है भगाते हो अपाचे? मतलब ये मन तो कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मन कर रहा है चलाने को? चलाने का नहीं। अच्छा भाई मेरी गलती नहीं है, मेरे को नहीं बोले। देखो हीरो, हाँ भाई जोन इब्राहिम का छोटा भाई। आपको यहाँ की फेमस मिठाई दिखाता हूँ। ये है वो फेमस मिठाई जिसका नाम है चमचम। ये एक तरीके रसगुल्ला का बड़ा भाई है ना। एक बार ये खिलाए तो अभी ये खा के देखते हैं स्वाद कैसा। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखो तो मैं तो इसकी फैक्ट्री में भी गया हूँ, बताया कि चमचम कैसे बनती है। नंबर ज्यादा मीठी भी नहीं है, मजेदार है। मतलब ऐसा लग रहा है वो कौन सी होती है, मिल्क केक को मतलब चाशनी में डाल दिया थोड़ा ऐसा। अभी कुछ बच्चे आ भाई, कौन सी भाई के पता है? कुछ कुछ भी नहीं पता। हाँ 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 है उसे सही में। कभी चलते आगे। तो ये गाइस मंगलायतन यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है, इसी के सामने ही है मेरा गांव। अभी ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते हैं। तो अभी डलवाते हैं स्पीड, देखते हैं कितने का आता है। भाई स्पीड कितने रुपए? 97। यस दिल्ली में 107। तो अभी हमारा पेट्रोल आया है 1036 का। मैं दिल्ली से मैं टंकी फुल करा के निकला था और अभी डला है 1000 रुपए का पेट्रोल। तो अभी हम वापस अपने स्कूल में आ गए, इसने गेट खोला है। तो क्या अंदर ट्रैक्टर खड़ा है अपना। तो मेरे डैडी भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, मैं बता दूं। ये जो अपना स्कूल है बहुत पुराना स्कूल होगा यार। दीपू कितना साल पुराना होगा? 81। हाँ ये देखो 1981।
तो अभी तो बंद है क्योंकि दिवाली के त्योहार की वजह से, तो अभी तो इसमें आलू आलू हो रहे हैं दीपू। आलू का भी काम चल रहा है फिलहाल अभी। अच्छा आलू का काम चल रहा है, चलिए लेके आ ट्रैक्टर बाहर लेके आ। तो ट्रैक्टर अभी बाहर ला रहा है ये, और फिर अपन करेंगे टग ऑफ वॉर करेंगे। मतलब बेसिकली मैं देखना चाहता हूँ कि हायाबुसा इस ट्रैक्टर को खींच सकती है कि नहीं खींच सकती। तो ये आ गया अपना ट्रैक्टर। मेरी जान सुन भाई, ये कितने सीसी का होगा ट्रैक्टर? हॉर्स पावर में है 50 हॉर्स पावर। 50 हॉर्स पावर, तो देखते हैं 50 हॉर्स पावर या 1300 सीसी। ओ भाई हाइड्रोलिक से पूरे बांधने के लिए लेकर ला यार कुछ बांधने के लिए। अपनी बाइक को ये देखो रस्सों से बांध ली है ट्रैक्टर से। तो ये ट्रैक्टर मेरे भाई का है, इसका नाम है दीपू लवानिया। तो ये मेरी चाची का लड़का है, और ये खेत में जुताई चल रही है। ये खेत भी अपनी तो अभी क्या है इधर लेना, तो अभी क्या है हम भी बोएंगे है, ट्रैक्टर चलाएंगे खेत में ये करने वाला। तो अभी क्या है, अरे इधर करना। तो अभी हम अपनी हायाबुसा से एक ट्रैक्टर को खींचेंगे और देखते हैं ट्रैक्टर खिस्ता है कि नहीं खिस्ता। जी हाँ, हायाबुसा अगर ट्रैक्टर खींचेंगे हायाबुसा से खिंच जाएगा ट्रैक्टर? खिंच जाएगा पक्का 100%। अच्छा जी चलो चलो जी देखते हैं क्या होता है। तो एक ड्रोन शॉट भी लेते हैं अपन और देखते हैं कौन खींचता है। ये मैंने कर दिया बाइक स्टार्ट। अब देखते हैं ये हायाबुसा ट्रैक्टर को खींच पाती है। तुम्हारी विक्की ना खींचे जाए, मैं नहीं नहीं दिलाने वाला देख लो। फाइनली गाइस हमने खींच लिया ट्रैक्टर है उसा से, और पूरी लग गया है जाम यहाँ पे। हाँ जी कैसी लगी भाई? बढ़िया रही है। बढ़िया रही है, मजा आ गया। तुमने क्या करा रखा है विक्की पे? ये टूटी लगा एलईडी है लाइट भाई। कितनी एलईडी? ओ भाई पूरी जुगाड़ कर रखी है। ये दोनों कान टूटे हुए इसके, एक ये लगा रखी है, ये मतलब आखिरी सांस है वेंटिलेटर पे तुम्हारी स्कूटी। तो हम निकलते हैं, रवाना होते हैं क्योंकि शाम। ओके भाई मिलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मथुरा मौसी के घर, ठीक है जी? तो अभी मैं जा रहा हूँ मथुरा मौसी के घर क्योंकि वहाँ सारे मेरा वेट कर रहे हैं। ये देखो गाँव के सारे भाई बच्चों भाई बच्चे ना खुश हो जाते हैं हायाबुसा देख के।